वाला, वो चाहते थे अपनी पसंद के अमीर घरानों को इसमें शामिल कर सकें, क्योंकि बाद में जब इलेक्शन आता है तो उन्हीं से तो चंदा लेने जाते हैं। बीच में नहीं बोला था आपके, अगर आप बीच में बोलेंगे तो मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। आप बोलिए, आप अगर नहीं सर, नहीं नहीं सर, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, मैं नहीं बोला था आपको जी। तो टेंडर फिर से पारित किया अपने पसंद के वेंडर्स को लाने के लिए, और आपको बता दूं ये रूल जो है IRC का, उसका उल्लंघन कर रहे हैं। UPEIDA वेबसाइट के हिसाब से IRC 37/2012 ये नॉर्म लेकर के ये बना रहे हैं, जो नॉर्मल रोड बनने का जो तरीका होता है, एक्सप्रेसवे से नहीं बनता है, एक्सप्रेसवे बनता है IRC SP 99/2013, ये एक्सप्रेसवे बनाने का कोड है। ये उस कोड पे नहीं जा रहे हैं, ताकि इनको कॉस्ट कम करनी है, जनता को दिखाने के लिए हम कॉस्ट कम कर रहे हैं। एक तो झूठ सबसे बड़ा ये है, 12% GST इस पे पड़ने जा रहा है, जिसके बारे में ये बता ही नहीं रहे, उसको कॉस्ट में इंक्लूड नहीं कर रहे। दिलीप जी, क्या वजह इन सबकी छुपाने की? बिल्कुल, ये सारी चीजें छुपा रहे हैं, क्योंकि अभी देखिए ये भी जानते हैं इलेक्शन सर पे है, इलेक्शन सर पे है, इलेक्शन आ जाएगा, ये बन भी नहीं पाएगा, बस ये उसका फायदा लेना चाह रहे हैं। ये बता रहे हैं कम दाम में अच्छा बना रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। हमने इतना रुपया खर्च कर दिया, आपने कुछ नहीं किया, आपने कुछ नहीं किया, आपने गरीबों को मारा है। इसमें मंडी बनने का जो प्रावधान था वो आपने खारिज कर दिया है। सब्जी फ्रूट, किसान सब मरेंगे। मैं भाजपा के माननीय प्रवक्ता गण को क्या कहना चाहता हूं उन्हीं की भाषा में, तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफला क्यों लटका? मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी पे सवाल है। 355 करोड़ 165 दिन और 50 देश घूमने के बाद आज देश के सबसे बड़े जुमलेबाज को याद आया, पूर्वांचल की धरती के ऊपर गोरखपुर, पूर्वांचल की धरती के ऊपर गोरखपुर और फूलपुर हारने के बाद आज जब उनको ये समझ में आया, आज जब उनको समझ में आया कि उनकी नींव यूपी से हिल चुकी है, लोकसभा चुनाव राजस्थान, मध्य प्रदेश, विधानसभा चुनाव पंजाब, कर्नाटक में हारने के बाद में आज इस झांसे के राजा को याद आता है कि देश की तुलना, ये वही लोग हैं जो काशी को क्योटो बनाना चाहते थे। बिल्कुल, ये वही लोग हैं जो परिवर्तन हो चुकी है, कि हम गंगा साफ कर देंगे, नीरव मोदी ने पूरा पूरे बैंक साफ कर दिए, ये वही लोग हैं जो कहते थे कैशलेस बना देंगे, नोटबंदी करके हम लोग ATM साफ कर दिए। आज विकास हुआ है, विकास हुआ है, विकास जय शाह का हुआ है। जवाबदेही आपकी बनती है, विकास आवाज तेज करने से आप किसी की आवाज किसी की कम नहीं कर सकते है, और कांग्रेस के अध्यक्ष भी जमानत पर है, और विश्व की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे जवाब दीजिए, आप विश्व मत जाइए, बात पूर्वांचल पे हो रही है, बात पूर्वांचल पे हो रही है, आप जवाब दीजिए, जवाब दीजिए तो आपकी बनती है, आईना देख के अपना चेहरा देख लीजिए, तमाम की जमानत पर है, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जमानत पर है, किस मसले पे जमानत पर है बता दीजिए, भ्रष्टाचार के मामलों में तो आपका पूरा दमन दागदार है। दिलीप जी, एक बार सैफ अली नकवी आप मुझे बताइए, हर कोई जानता है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी इस बात को कहा कि दिल्ली के लिए उत्तर प्रदेश से रास्ता निकलता है, ये सब जानते हैं। कांग्रेस क्या गिना रही है? सपा गिना रही है कि हमने पिछले ये कहा जी, बीजेपी वो गिना रही है जो वो यहां पर कर रही है जी, लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास क्या है 2019 के लिए? कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीब, मजलूम और किसानों की पार्टी है। हमने जिस तरीके से पिछली सरकार में गरीब किसानों का कर्जा माफ किया था, ये आज बता दें कि इन्हीं क्यारी ने गन्ना किसान का कर्जा माफ किया, हमने जिस तरीके से मजदूरों के लिए मनरेगा लेके आए, ये चार साल में एक स्कीम बता दें। मैं भाजपा प्रवक्ता को चैलेंज करता हूं, चार साल में एक सड़क का नाम बता दें, जो सड़क इनके प्रधानमंत्री या इनके 16 महीने की प्रदेश सरकार ने एक सड़क का नाम अगर ये बता दें तो मैं मान जाऊंगा। 9 किलोमीटर की सड़क इनके प्रधानमंत्री ने जब 9 किलोमीटर की सड़क का फीता काटा, वो पहली बारिश में मेरठ एक्सप्रेस वे ढह गई। एक मिनट हेमंत जी, एक बड़ा सवाल खड़ा किया है सैफ अली नकवी ने, पूर्वांचल की याद इसलिए आ गई क्योंकि फूलपुर भी हारे, गोरखपुर भी हारे, नूरपुर भी हारे, देश हारेंगे, चार चुनाव हारने के बाद आपको पूर्वांचल की याद आ रही है। क्या मान लिया जाए कि वाकई बसपा और सपा के गठबंधन ने एक बड़ी रणनीति बनाने के लिए और अपनी रणनीति को बदलने के लिए मजबूर कर दिया भारतीय जनता पार्टी को? आपकी बात, आपने जो प्रश्न किया बहुत समीचीन मैं नहीं मानता हूं वास्तविक संदर्भों में। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ी मुश्किल है 2019 में।
2014 में एक तरफा उन्होंने सुपड़ा साफ कर दिया बाकी दलों का, 2017 में उससे ज्यादा बदतर हालत कर दी, बदतर इतनी बदतर कि ये पार्टियां जैसे अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएंगी। मजबूरी का ही सही, लेकिन ये कॉम्बिनेशन, एक जो डेडली पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन बना है सपा बसपा का एक होना, ये उत्तर प्रदेश की राजनीति की बहुत महत्वपूर्ण घटना है जो 25 साल बाद एक रेपुटेशन की स्थिति में आई है। तो इसमें कोई शक नहीं कि जिस प्रदेश में कास्ट कॉम्बिनेशन के इलेक्शन होते हों, जहां जाति गोलबंदी बहुत बड़ा आधार होता हो, जहां धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण की हमेशा प्रत्याशा होती हो सीट जीतने में, सत्ता जीतने में, वोट जीतने में, ऐसे सूबे में निश्चित रूप से सपा बसपा का एक होना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत कठिन और बहुत बड़ी चुनौती है, जिसका अक्स आप देख चुके हैं निकट अतीत में, फूलपुर, गोरखपुर, नूरपुर, कैराना। तो ऐसी दशा में, एक मिनट में, लेट मी कंप्लीट प्लीज, ऐसी दशा में आपने ध्यान दिया? देखिए, सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री ने जो अटैक किया, प्रधानमंत्री जो फोकस किया अपने भाषण, उसमें देखने की बात है। उन्होंने दलितों की बात की, उन्होंने अंबेडकर की बात की, उन्होंने लोहिया की बात की, उन्होंने समाजवाद की बात की, और मुसलमानों की बात तो जरूर की, और कांग्रेस को कटघरे में किया है, बहुत बड़ा सवाल है। और यह सवाल 2019 के चुनाव के पहले माहौल बनाने का सबसे बड़ा ये उद्गम वाला प्रश्न है। राजनीति किनारे फेंको, भाड़ में जाए राजनीति। जब पूर्वांचल 3 दशक से विकास के लिए तरसता रहा, रोता रहा, सड़कें टूटी मिली, डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं, कोई रोजगार नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं, लोग कलकत्ता और बंबई नौकरी के लिए जाते रहे। चलिए सर, माफी चाहूंगी, आपको रोक रही हूं। आज बड़ी सौगात दी है पूर्वांचल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इस कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।